हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चों। कल या परसों से 2 दिन से जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कल तक हमने आप पढ़ लिया था कि स्टमक तक जब भोजन आता है, आमाशय तक जब आता है, तो आमाशय पे आने के बाद उसमें किस प्रकार से पाचन होता है, और जो आमाशय से जो पाचक एंजाइम निकलते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, उनका रेगुलेशन कैसे होता है। अब आमाशय से भोजन आगे निकल गया, पाइलोरिक स्फिंक्टर से भोजन आगे निकल गया, और इतना हम कल डिस्कस कर चुके थे, तो अब आइए हम आगे चलते हैं। तो देखिए, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि स्टमक से भोजन जो है ना, ये स्टमक है, और यहां से भोजन चल करके ये, अब यहीं पर इसका पाइलोरिक स्फिंक्टर है जहां पर मैं दिखा रहा हूं, ये इस पाइलोरिक स्फिंक्टर से भोजन आगे जा चुका है। अब आगे की संरचना थोड़ी सी लार्ज इंटेस्टाइन और इससे ढकी हुई है, तो नेक्स्ट डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहां पे आप क्या देख रहे हो कि स्टमक है, और स्टमक से ये आपको ये पता है कि यहां पर HCl का स्राव होता है, और यहां जो भोजन की का जो माध्यम होता है, द मीडियम ऑफ द काइम, काइम इज द फॉर्म ऑफ फूड दैट एग्जिस्ट इनसाइड द स्टमक, सो द मीडियम हियर इज एसिडिक बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ HCl, एंड एक्चुअली द ऑल द गैस्ट्रिक एंजाइम्स वर्क एट द एसिडिक pH, दैट आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे। कल हमने आपको ये बताया था कि जितने भी गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, सारे कम पीएच पे, यानी एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। अब यहां से इस स्फिंक्टर से भोजन आगे चला गया। नाउ दिस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, एक्चुअली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्चुअली मूव्स इन द फॉर्म ऑफ यू, एंड इन दिस स्ट्रक्चर, ये जो यू के फॉर्म में घूम रहा है, यहां पर पैनक्रियाटिक पैनक्रियास है, यानी जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। दूसरी तरफ है ये लीवर, लीवर के साथ आप देख रहे हो कि यहां पर ये गॉल ब्लैडर है। तो लीवर का जो सिक्रीशन है, जो यकृत का जो स्राव है, वो गॉल ब्लैडर में जमा होता है, और गॉल ब्लैडर से यहां पर आता है। फिर आप देखिए कि ये जो गॉल ब्लैडर आ रहा है, गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट आ रही है, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है। ये दोनों मिलके कंज्वाइन हो जाते हैं, नाउ दे आर कॉल्ड एज हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो पार्ट है डियोडिनम का, ये डियोडिनम के पार्ट में कोई एज सच जो पाचक एंजाइम स्रावित करने वाली द ग्लैंड वाली ग्रंथियां, या द ग्लैंड विच सीक्रेट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम, डजंट एग्जिस्ट। यहां पर जो भी पाचन होता है, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल, ठीक है। और यहां से इंटेस्टाइन शुरू हो गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस डियोडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ड्यूओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, दैट इज ऑफ द लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो यहां आप देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियास, इट डाइजेस्ट द प्रोटीन, एंड फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन यहां पर काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम मिलेंगे, एमाइलेज मिलेंगे और लाइपेज मिलेंगे, ठीक है। और ये इसके साथ साथ जो ये यहां से बाइल से जो बफर आ रहा है, दैट बफर एक्चुअली न्यूट्रलाइजेज द पीएच ऑफ द मीडियम, क्योंकि यहां पर स्टमक में जो भी भोजन था, वहां पर जो भी गैस्ट्रिक एंजाइम स्रावित हो रहे थे, वे सारे एसिडिक मीडियम में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भोजन यहां से यहां आया, नाउ द मीडियम दैट नीड्स टू बी एल्कलाइन, अब यहां पर क्षारीय माध्यम चाहिए, यहां के एंजाइमों को काम करने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए। दैट्स वाई ये जो बाइल है, ये जो यहां से पित्त आया है, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एल्कलाइन सॉल्ट्स होते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां का मीडियम अब एल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द सेम स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट, द बाइल डक्ट इज कॉल्ड एज डक्टस कोलेडकस, यहां पैनक्रियास है। पैनक्रियास में एक्चुअली क्या होता है कि आपको पिछले वाले डायग्राम में तो एक ही डक्ट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक सब्सिडी और होती है। अब देखिए, पैनक्रियाटिक डक्ट है, तो एक है जो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, इसको सेंटोरिनी
डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं, और दूसरा है जिसको हम मेन डक्ट प्रिंसिपल पैनक्रियाटिक डक्ट को क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ विर्सन, ठीक है। और ये दोनों मिल रहे हैं यहां, अभी आपको हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है, बट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डियोडिनम इन विच इन द स्ट्रक्चर ऑफ विच वी सी द पैनक्रियास लॉस्ट। ये पैनक्रियास बीच में घुसा हुआ है इसके यू शेप स्ट्रक्चर में, और यहां देखिए अब, सो दिस इज द लीवर। लीवर के अंदर आप देखिए कि इसका जो सिक्रीशन आ रहा है सारा जमा कहां होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से ये बाइल डक्ट आ रहा है, इसको डक्टस कोलेटिकस कहते थे। यहां से ये पैनक्रियास है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक डक्ट जा रहा है, दोनों मिल करके दे मेक अ कॉमन डक्ट विच इज कॉल्ड एज हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। एंड यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक स्फिंक्टर है जिसको स्फिंक्टर ऑफ ओडी या हिपेटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर कहते हैं। एक्चुअली दिस स्फिंक्टर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस इनसाइड द डियोडिनम। सो डियोडिनम एज आई टोल्ड यू, जैसे डियोडिनम को मैंने कहा कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जो करीब 25 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद जेजुनम होगा, फिर इलियम होगा। अब हमें साथ साथ चूंकि हिस्टोलॉजी भी देखनी है, तो मैंने आपको कल ही कहा था कि द बेसिक हिस्टोलॉजी ऑफ द इंटायर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज सेम, सबका सेम होगा। मैं सिर्फ यहां पर एक डायग्राम बता रहा हूं थोड़ा सा। नाउ लिसन, यहां पर क्या है कि दिस एरिया, एक्चुअली सम ऑफ द पार्ट ऑफ द सेक्शन इज नॉट शोन हेयर, सो बेसिकली दिस एरिया हेयर विल फाइंड द पेरिटोनियम जिससे मिजेंट्री जुड़ी रहती है। मिजेंट्री मतलब वो आंत्र योजनिया है, वो टेंडन और कुछ दूसरे जो योजक योजनिया है, जो मिजेंट्री है, जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को, जो GI ट्रैक का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको जोड़े रखती है हमारे बॉडी वॉल के पिछले हिस्से से, पीठ की तरफ से जुड़ा होता है। इसके अंदर ये सिरोसा लेयर होगा, सिरोसा के बाद आपको मसल लेयर तो दिख रहे हैं यहाँ पर, मसल लेयर है, तीन तरह के मसल्स होते हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी यस्टरडे। एंड दिस इज द लेयर ऑफ सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर फिर क्या होता है, कैसे म्यूकोसल सेल्स होते हैं, और यहां पर आप देखिए कि कुछ एंटेरोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, कुछ गॉबलेट सेल्स होती हैं। ये जो गोल गोल से आप देख रहे हो, दीज आर द गॉबलेट सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंड एंटेरोसाइट्स आर द लॉन्ग कॉल्यूमुलर सेल्स। कॉल्यूमुलर सेल्स मतलब ये स्तंभी कोशिकाएं होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनकी चौड़ाई तो कम हो और हाइट ज्यादा हो, सो सच काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कॉल्यूमुलर सेल्स। एंड सिंस दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ द कॉल्यूमुलर सेल्स, ये कॉल्यूमुलर सेल्स का ये जो पूरा गुच्छा बना हुआ है, तो इसको हम कॉल्यूमुलर एपिथीलियम कहेंगे। और यहां पर जो भी मैंने बताया कि ऐसे जो डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट नहीं होता, सारे जो भी फंक्शन है डियोडिनम में जो होता है डाइजेशन का, ऑल द केमिकल ऑल द एंजाइम्स कम्स फ्रॉम पैनक्रियास एंड अदर सम को फैक्टर्स और सम यू नो सम सॉल्ट्स और मिनरल्स एटसेट्रा विच आर रिक्वायर्ड कम्स फ्रॉम द गॉल ब्लैडर थ्रू बाइल डक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है इसके डियोडिनम के म्यूकोसा का, और ये ऑलमोस्ट करीब करीब सिमिलर है स्टमक की, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी फाइंड इन द पैनक्रियाटिक जूस, तो आप देखिए पैनक्रियाटिक जूस में सबसे पहले तो वाटर होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर निकलता है इसमें, उसके साथ कुछ मिनरल सॉल्ट्स होंगे, और इन सब की चर्चा आमतौर पर नहीं की जाती, लेकिन बेसिकली What is more relevant for the purpose of digestion? Digestion के हिसाब से जो चीज ज्यादा प्रासंगिक है वो क्या है, एंजाइम्स। तो कुछ एंजाइम्स तो ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, सम ऑफ द एंजाइम एग्जिस्ट ऑलरेडी इन द एक्टिव फॉर्म टू एक्ट अपॉन द फूड, जैसे कि एक एमाइलेज है, मैंने कहा था आपको कि एमाइलम मीन्स होता है शुगर, सो वट एवर द एंजाइम दैट एक्ट ऑन द शुगर इज कॉल्ड एमाइलेज। इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स हो सकते हैं, हम देखेंगे आगे। उसके बाद फॉस्फोलाइपेज है जो फॉस्फोलिपिड्स पे काम करते हैं, लाइपेज है जो ट्राइग्लिसराइड्स पे काम करते हैं, न्यूक्लिएज है डीएनए आरएनए पे काम करता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स प्रिकर्सर होते हैं, दे आर आर सम प्रिकर्सर्स, मतलब दीज आर द प्री एंजाइमेटिक फॉर्म विच आर नॉट एक्टिव राइट नाउ बट दे विल कन्वर्ट इन टू द एक्टिव फॉर्म।
So one is trypsinogen, which will produce trypsin, you know. दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, जो क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस काइमोट्रिप्सिन. दूसरा प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, विच विल प्रोड्यूस कार्बोक्सी पेप्टिडेज, है ना. सो अब यहां पर एक और तरह का पेप्टिडेज हो सकता है जिसको हम कहते हैं एमिनो पेप्टिडेज. तो एमिनो पेप्टिडेज की मात्रा करीब करीब नॉन एग्जिस्टेंट होती है, लेकिन अगर कार्बोक्सी पेप्टिडेज या एमिनो पेप्टिडेज में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंजाइम्स. डिफरेंस ये होता है कि किसी भी एक प्रोटीन की जो श्रृंखला होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, ये हमने पहले शायद आपको बताया भी होगा क्लास में, उसके दो एंड होते हैं. देर आर टू टर्मिनल्स ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन. वन एट वन एंड यू विल फाइंड एमाइनो एसिड एंड अदर अनदर एंड यू विल फाइंड कार्बोक्सिलिक एसिड. COOH एक तरफ होगा, NH2 एक तरफ होगा. सो अगर कोई एंजाइम एमिनो टर्मिनल की तरफ से काम कर रहा है तो उसको हम एमिनो पेप्टिडेज कहेंगे. कोई कार्बोक्सिल एंड की तरफ से काम कर रहा है तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज कहेंगे. एंड आपको एक और बात बता दूं कि ये जो होता क्या है कि प्रोटीन जब टूटता है, शुरू में जब स्टमक में जो प्रोटीएज का जो एक्शन हुआ, उसके जरिए क्या हुआ कि प्रोटीन गॉट कन्वर्टेड इंटू द पॉलीपेप्टाइड चेन. अमीनो एसिड की एक लंबी सी श्रृंखला में वो परिवर्तित हो गया. अब उस जो लंबी श्रृंखला है उसको तोड़ने के लिए दो प्रकार के फर्दर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं. एक होता है एंडोपेप्टिडेज, जो कहीं से भी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड के ब्रेक कर सकता है, उसको छोटा करने के लिए, अपघटित करने के लिए. कुछ होता है एक्सोपेप्टिडेज. तो ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है और एमिनो पेप्टिडेज है, दीज टू पेप्टिडेज आर एक्सोपेप्टिडेज. ठीक है, तो अब देखिए कि ये, हाँ ये आई गई बात ना. सो देयर आर 70% ऑफ द एंजाइमेटिक पार्ट दैट कम्स फ्रॉम द पैनक्रियाटिक सिक्रीशन इज एंडोपेप्टिडेज एंड एक्सोपेप्टिडेज. इन एंडोपेप्टिडेज यू फाइंड ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेसेस. So, as I told you, that trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidases, all these three enzymes exist in the beginning in the form of proenzymes, inactive enzymes. वो काम नहीं कर सकते. वहां पर क्या होता है कि जो ड्यूओडेनम के जो डक्ट की दीवार है, ड्यूओडेनम के में आपने देखा था ना, कुछ एंटेरोसाइट्स होते थे, कुछ गॉबलेट सेल्स होते थे, तब स्ट्रक्चर में देखा हमने. वहां से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज. कौन सा एंजाइम है? एंटेरोकाइनेज, दैट एक्ट्स अपॉन द ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन एंड इन बोथ द केसेज यू गेट्स इट कन्वर्टेड इनटू ईदर द ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन. सो बेसिकली ये एंटेरोकाइनेज इज द एंजाइम दैट एक्टिवेट्स द प्रो एंजाइम इनटू एक्टिव एंजाइम. देन देयर इज अ न्यूक्लिएज, देन पैनक्रियाटिक एमाइलेज that actually hydrolyzes starch and glycogen. Then there is pancreatic lipase that acts on the triglyceride. One more I have told you some slides before, ki phospholipase hota hai jo phospholipids pe kaam karta hai. To hum jab biochemistry mein hum lipid aur protein carbohydrate ki sanrachna jab padhenge aage to hum aur aage clear karenge, ye kyunki pehla hi topic hai aapke is paper ka. So we'll discuss about the structure of these molecules later. Now, how the secretion of the pancreatic juice, pancreas से जो secretion होता है वो regulate कैसे होता है? ठीक है? So सबसे पहले तो हम ये देखें कि in the wall of duodenum there is one GIP, gastric inhibitory peptide. ये छोटा सा peptide होता है, मतलब छोटा सा कुछ amino acids श्रृंखला वाला एक पेप्टाइड होता है, और ये पेप्टाइड इट एक्ट्स लाइक द हार्मोन. तो ये सीक्रेट होता है कहां से? ड्यूओडेनो वॉल, जहां पर ठीक की एट द प्लेस वेयर द स्फिंक्टर ऑफ ओडी वाज प्रेजेंट. सो फ्रॉम देयर दिस एंटेरोगेस्ट्रॉन इज सीक्रेटेड एंड एक्चुअली इट डज टू थिंग्स. पहली बात की जब स्टमक से भोजन अब आने लग गया ना, द वर्क ऑफ स्टमक इज ओवर, नाउ द ड्यूओडेनम हैज टू टेक ओवर. अब क्या है कि स्टमक का काम खत्म हो गया, ड्यूओडेनम का काम शुरू हो गया. अब ड्यूओडेनम का काम शुरू हो गया तो अब सबसे पहली बात है कि स्टमक में जो एसिड सिक्रीट हो रहा था उसको बंद होना होगा.
स्टमक से जैसे जैसे भोजन बाहर निकल रहा है उसकी मोबिलिटी क्या होगी, उसको बंद करनी कम करनी पड़ेगी, दैट इज रिक्वायर्ड. सो दिस गैस्ट्रो एंटेरोगैस्ट्रॉन व्हाट डज इट डू, इट एक्चुअली prevents the gastric secretion, it prevents the secretion of the gastric enzyme as well as hydrochloric acid, and besides that it also actually checks the stomach mobility. Stomach के अंदर जो peristaltic wave चल रहा था उसको भी रोकता है. उसके बाद there are some of the hormones which are secreted in the duodenum. So when the food is in stomach, when the food starts coming into the duodenum, जब भोजन duodenum में आने लग जाता है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा भोजन एक ही बार आ जाएगा, it takes time. So after once the food starts reaching inside the duodenum, वहां पर secretin नाम का एक हार्मोन साबित होता है. कहां से साबित हो रहा है? It is being secreted from the duodenal walls. ये डियोडिनम की दीवार से सिक्रिटेड हो रहा है. बिसाइड्स दैट सम बायोकार्बोनेट्स आर आल्सो सिक्रिटेड बाय द डार्क सेल्स एंड इन दिस एल्कलाइन पीएच ऑल द एंजाइम्स पैनक्रियाटिक एंजाइम स्टार्ट्स वर्किंग. जो भी ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड ऑल एंजाइम्स नीड्स एन एल्कलाइन मीडियम. तो ये होता है और मीडियम को एल्कलाइन बनाने के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी पहले कहा कि तो बाइल मतलब जो पित्त कहते हैं, दिस ऑल्सो एक्चुअली एक्ट्स इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक पीएच एंड मेकिंग इट एल्कलाइन. ठीक है, तो एक तो सिक्रिटिन हो गया, ये कहां से सिक्रिट हुआ? ड्यूडिनम वॉल से, और इसने पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन शुरू करा. ठीक है, पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो निकलने शुरू हो गए. द सेकेंड वन इज क्वालिसिस्टोकाइनिन. क्वालिसिस्टोकाइनिन का एक पुराना नाम पेनक्रियोजाइमिन भी है, इसलिए इस नाम को देख करके आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये पेनक्रियोजाइमिन क्या है, बोथ आर द सेम. सो एमिनो एसिड्स एंड फैट्स व्हेन इट रीचेज इन द इंटेस्टाइन मतलब आई टोल्ड यू अर्लियर द ड्यूडिनम इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. को तीन पार्ट में बांटते हैं ड्यूडिनम, वो फर्स्ट पार्ट एंड द लेंथ ऑफ ड्यूडिनम इज 25 सेंटीमीटर अराउंड. तो ये यहां से जैसे ही पहुंचता है देन द कॉलिसिस्टोकाइनिन और पेनक्रियोजाइम सीक्रेट होना शुरू करता है एंड दिस ऑल्सो हेल्प इन रिलीजिंग द पेनक्रियाटिक एंजाइम. इन ये दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, सो वी वुड नॉट बी डिस्कसिंग दिस. तो लीवर गॉल ब्लैडर में देखिए, अब दूसरा फंक्शन, दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका सिलेबस है इसमें पैनक्रियास और लीवर इनके हिस्टोलॉजी एंड फंक्शंस को अलग से पढ़ना है. सो वंस वी फिनिश दिस हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो. उसको हम लीवर का स्ट्रक्चर फंक्शन अलग से पढ़ेंगे, पैनक्रियास का जो हिस्टोलॉजी है उसका फंक्शन हम अलग से पढ़ेंगे. ये तो हम अलग से पढ़ेंगे, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली दैट मच विच इज रेलेवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इस चैप्टर के लिए जो भी प्रासंगिक है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं. और ये मैं बता चुका कि लीवर का काम क्या है, पित्त बनाना, प्रोड्यूस करना. ये क्या करता है? पित्त की आवश्यकता फैट को पचाने में अत्यावश्यक है. क्योंकि फैट क्या होता है, आपको पता है केमिस्ट्री पढ़ते हो आप, फैट इज हाइड्रोफोबिक, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वॉटर. सो अंटिल, जैसे कोई कपड़े में मैल होता है उसको आप साफ करने के लिए डिटर्जेंट यूज करते हो. डिटर्जेंट क्या करता है, वो जो भी गंदगी होती है उसका सरफेस टेंशन कम कर देता है, जिससे आप पानी से जो खंगालते हो तो वो निकल जाता है. सिमिलरली जो फैट है, फैट मॉलिक्यूल के जो मिसल्स होते हैं उसका सरफेस टेंशन कम करता है. कौन? बाइल. एंड इट डज इट यूजिंग सम बाइल सॉल्ट्स, जिसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे अभी. तो ये जो प्रोसेस है जिसके जरिए कि जो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स या वसा के जो बड़े दाने गोले हैं ये छोटे छोटे मिसल्स में बदल जाते हैं और उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, इसको हिंदी में हम पाइसीकरण कहते हैं और अंग्रेजी में हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन. अंटिल एंड अनलेस द फैट इज इमल्सिफाइड, जब तक कि फैट का इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण नहीं होगा तब तक उस पर लाइपेज एंजाइम काम नहीं कर सकता.
और सिर्फ इसके साथ ही नहीं, लिपिड के एब्जॉर्प्शन में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। फैट शुड बी, यहां पे इमल्सिफिकेशन जरूरी, तो फैट के पाचन में और एब्जॉर्प्शन में दोनों में इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस जरूरी है। और दूसरी चीज कि लिपिड के अलावे बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल हैं। जब विटामिन आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर सम विटामिन विच आर वाटर सॉल्युबल एंड देयर आर सम विटामिन विच आर फैट सॉल्युबल, जैसे ए डी, ये सब जो विटामिन है ना ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। उसी तरह जैसे विटामिन सी है तो वाटर सॉल्युबल है, तो ए के डी ये सब जो विटामिन है ना, दीज विटामिन आर फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन के भी एब्जॉर्प्शन में ये बाइल की आवश्यकता पड़ती है। सो ये बाइल दो तीन काम करता है। नंबर वन, इट एक्चुअली टर्न्स द एसिडिक फूड इनटू एल्कलाइन। ठीक है, ये जो फूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलने से एसिडिक फॉर्म में आया था डियोडिनम में, अब उस फूड के माध्यम को एल्कलाइन बनाता है। दूसरी बात, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, लिपिड का, वसा का इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण करता है। और तीसरा, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनके एब्जॉर्प्शन को बनाता है। और इसके साथ साथ और भी फंक्शन है लिवर के, जिसमें हम पित्त की बात और आगे करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि वंस द बाइल इज सेपरेटेड फ्रॉम लिवर इट गेट्स इन द गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर में संग्रहित होता है और जब भी आवश्यकता पड़ती है तब गॉल ब्लैडर से वो रिलीज होकर के बाइल डक्ट और फिर हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए कहां पहुंचता है, इट रीचेस टू द ड्यूओडेनम। आप देख रहे हो यहां पर, दिस इज द बाइल डक्ट here it turns into the hepatopancreatic duct and this is the sphincter of Oddi, और इसके जरिए ये यहां पहुंचता है। तो अगर गॉल ब्लैडर आप रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, इसको आप पढ़ना, आप अगर पढ़ करके थोड़ा देखोगे तो ठीक है, अगर आप कल क्वेरी फिर डालोगे तो फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, अगर गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, ये आप। उसके बाद बाइल के अंदर, बाइल मतलब पित्त के अंदर एक और चीज होती है, हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है, जो रक्त कोशिकाएं होती है, लाल रंग वाली लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको हम टेक्निकली इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट कहां है, मतलब लाल, ठीक है, इरिथ्रोसाइट लाल रक्त कण की जो कोशिकाएं होती है उसमें होता है हीमोग्लोबिन। तो इन आरबीसी की जो लाइफ होती है इट्स अप्रोक्सीमेटली 115 डेज और समथिंग, 115 दिन के आसपास इनकी लाइफ होती है। उसके बाद ये सारी आरबीसी लीवर में आकर के डिस्ट्रॉय होती है। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ पिगमेंट लाइक बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये भी साथ आते हैं, मतलब बाइल में एक तो वो कुछ बाइल सॉल्ट्स आते हैं और दूसरा ये कुछ पिगमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे ख्याल से कि द ट्रिप्सिन वजन इज इन एक्टिव फॉर्म, दिस इज द, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज डियोडिनम, जिसमें कहां से, सॉरी पेनक्रियास के जरिए ये सारे एंजाइम्स आ रहे हैं। देखिए ट्रिप्सिन वजन प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज काइमोट्रिप्सिनोजन गेट्स कन्वर्टेड टू ट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड काइमोट्रिप, वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए बाइल की बात मैं कर रहा था ना, बहुत सारी चीजें मैं बता भी चुका पहले कि दी बाइल सॉल्ट्स में कौन कौन से आते हैं, सोडियम टोरोकोलिक एसिड, सोडियम ग्लाइकोकोलिक एसिड, दे हेल्प्स इन इमल्सिफाइंग द लिपिड फॉर द एक्शन ऑफ लाइपेज। मैंने कहा ना अंटिल द लिपिड गेट्स इमल्सिफाइड, जब तक लिपिड का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा इट कांट बी डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम लाइपेज। लाइपेज से डाइजेस्ट होने के लिए ये जरूरी है। एंड सेकेंड थिंग, दे हेल्प्स इन, या दे एक्चुअली अफेक्ट्स द पीएच ऑफ इंटेस्टाइन, इंटायर इंटेस्टाइन फ्रॉम डियोडिनम टू इलियम, फॉर द इंटायर इंटेस्टाइन the pH has to be alkaline and this alkaline pH is ensured by the bile।
ये बाइल ही सुनिश्चित करता है, बाइल ही इस चीज को प्रभावी करता है कि जो मीडियम हो वहां का वो एल्कलाइन हो, क्योंकि यहां पर अब सारे के सारे एंजाइम जो काम करते हैं दी ऑल एंजाइम्स वर्क्स इन एल्कलाइन मीडियम। उसके बाद जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि देयर आर सम बाइल पिगमेंट बिलीवर्डीन एंड बिलीरुबिन विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ द हीम ऑफ द आरबीसी। हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती हैं, उसका एक आयरन वाला पार्ट होता है, आयरन के साथ कुछ पायरोल रिंग लगे होते हैं, इसको हम हीम बोलते हैं, उसके साथ चार पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, इसको हम ग्लोबिन। तो हीम वाला जो पार्ट होता है उसके डिग्रेडेशन से बिलीरुबिन और बिलीवर्डीन बना, ठीक है। और ये जो बिलीरुबिन है इसको वहां पर मौजूद जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये पहुंचता है, वंस इट रीचेस टू द लार्ज इंटेस्टाइन देयर आर सम बैक्टीरिया। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 5-6 तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, कुछ ये माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी हम चर्चा करेंगे भी जब लार्ज इंटेस्टाइन हम पढ़ेंगे। सो दीज माइक्रोब्स व्हाट डज इट डू, दे एक्चुअली कन्वर्ट्स द बिलीरुबिन इंटू यूरोबिलिनोजेन। देयर इज अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड यूरोबिलिनोजेन दैट इज हाईली वाटर सॉल्युबल। ये जल में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है, एंड दैट्स वाई जब लार्ज इंटेस्टाइन का काम बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब करना है, तो वाटर के साथ ये यूरोबिलिनोजेन भी एब्जॉर्ब होकर के और ये अल्टीमेटली यूरिन से निकलता है। सो द येलो कलर ऑफ द यूरिन दिस कंपाउंड दिस यूरोबिलिनोजेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ द यूरिन। यूरिन का कलर येलो इसकी वजह से होता है। दूसरा कि ये थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो तो यूरोबिलिनोजेन में बनता है, बाकी मोस्ट ऑफ द बिलीरुबिन मोस्ट पार्ट ऑफ द बिलीरुबिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टर्कोबिलिन अनदर कंपाउंड। ये क्या होता है, स्टर्कोबिलिन में बदल जाता है जो मल के साथ फीकस के साथ वो बाहर निकलता है, एंड दिस एक्चुअली डिटरमिन्स द कलर ऑफ द फीकस। जो मल होता है मनुष्य का किसी का, वो उसका कलर जो होता है इसी स्टर्कोबिलिन की वजह से होता है, ठीक है। सो नाउ वी आर कमिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वन इज ड्यूओडेनम दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो करीब करीब 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके बाद जेजुनम होता है दैट इज अराउंड 2 मीटर लॉन्ग, क्योंकि पूरा का पूरा 5 मीटर की लंबाई वाली ये होती है। अब सोचिए कि 5 मीटर लंबी नलिका आपके पेट में है, ठीक है, और इसके अंदर करीब करीब 1.5 लीटर रोज इंटेस्टाइनल जूस स्रावित हो रहे हैं। कितने स्रावित हो रहे हैं, 1.5 लीटर 1500 ml अप्रोक्सीमेटली, उतना इंटेस्टाइनल जूस स्रावित हो रहा है। So, what's the function of intestine? They perform two functions. One is digestion and another is absorption. अब भाई भोजन पच तो गया, पच गया मतलब डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्ट होने के बाद काम तो उसको शरीर के आना है, क्योंकि भोजन हमारे ब्रेन को, मसल्स को, पूरी बॉडी को चाहिए, जहां जहां जो भी टिश्यूज हैं, है ना, सब जगह चाहिए। तो वो सारा पचा हुआ भोजन दैट नीड्स टू बी एब्जॉर्ब एंड रिलीज इन टू द ब्लड स्ट्रीम, फ्रॉम वेयर दे गो टू द लीवर एंड सम प्रोसेसिंग इज डन देयर। वहां से फिर वो पूरे बॉडी में जाता है, एंड दैट इज मेड अवेलेबल टू द ऑल ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये भोजन अभी पचा है और पचने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन होना, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा नहीं। तो इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका एक मेजर फंक्शन क्या है, ये भोजन तो डाइजेस्ट करने का काम तो शुरू हो गया, आप देखिए मुख गुहा से ही शुरू हो गया, बकल कैविटी से हो गया, स्टमक में हुआ, डियोडिनम ने इसका मेजर पार्ट किया। अब जो बचा पार्ट डाइजेशन का है, जैसे किसी भी पत्थर को अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, एक बड़े पत्थर को थोड़े छोटा करते हैं, फिर छोटे को और छोटा करते हैं, फिर छोटे को और छोटा करते हैं, फिर छोटे को और छोटा करते हैं, और फिर जाकर के वो इस लायक होता है कि सड़क बनाने वाली बजरी बन सके, समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से द स्टार्च पॉलीसेकेराइड और द प्रोटीन दैट इज अवेलेबल फ्रॉम द फूड स्टफ और द लिपिड
दे ऑल आर द मेजर लार्ज साइज माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े आकार के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। और उसको पहले छोटा किया जाता है, फिर और छोटा किया जाता है। तो पहले छोटा करने का काम शुरू हो गया वहां पे, जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन को छोटा करने का काम कहां शुरू हो गया, वो शुरू हो गया स्टमक में, यानी कि आमाशय में, फिर डियोडिनम में हुआ। और डियोडिनम के बाद क्या होता है कि वहां जो पॉलीसेकेराइड है वो डाइसेकेराइड में बदल जाता है, इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते जाते। उसी प्रकार से जो पहले स्टमक में क्या हुआ कि जो प्रोटीन था इट गेट वट कन्वर्ट इन टू द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको छोटा छोटा काट करके छोटे छोटे पेप्टाइड्स में बदला गया। अब ये छोटे पेप्टाइड्स यहां और डाइजेस्ट होंगे जिससे कि एमिनो एसिड बनेगा। जो डाइसेकेराइड जो शुगर है, डाइसेकेराइड मतलब दो, जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज है, या ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, जैसे ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलकर के लैक्टोज बनाते हैं जो दूध में मिलता है ना, उसी तरह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलाकर के सुक्रोज बनाते हैं जो केन शुगर में, गन्ने वाले में। तो कहने के बाद जो डाइसेकेराइड होता है, अब इसको करने के लिए इस पर फिर क्या होता है कि जो एमाइलेज का आप अलग नाम, सारे के सारे हैं एमाइलेज ही, लेकिन क्या है क्योंकि वो डाइसेकेराइड स्पेसिफिक शुगर जैसे माल्टोज पे काम कर रहा है तो उसका नाम माल्टेज हो जाएगा, जो सुक्रोज पे काम कर रहा है सुक्रेज हो जाएगा, जो लैक्टोज पे काम कर रहा है लैक्टेज हो जाएगा, है ना। तो वो ये जो एमाइलेज है इनके कुछ अलग से नाम आपको सुनने के लिए मिलेंगे, माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज वगैरह। उसी प्रकार से यहां भी जो पेनक्रियास से जो ट्रिप्सिन कैमोट्रिप्सिन आया था वही यहां भी काम कर रहा है, उसी प्रकार से जो लाइपेज सिक्रिट हुआ था पेनक्रियास से वही यहां भी डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये तीनों डाइजेशन की प्रक्रिया तो कंटिन्यू रहती है और पूरी यहीं पर होती है, मतलब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन नंबर वन, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब द फूड, एब्जॉर्ब द एमाइनो एसिड, एब्जॉर्ब द मोनोसेकेराइड शुगर लाइक ग्लूकोज, एब्जॉर्ब द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दैट इज द डिकम्पोज फॉर्म ऑफ लिपिड। तो कहने का मतलब इस सारे एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है यहां पर। एब्जॉर्प्शन की बात तो कल करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल डाइजेशन को आगे डिस्कस करें। सो अब देखिए, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। ये डियोडिनम जो है, डियोडिनम बेसिकली देखिए, डियोडिनम का भी आधा पार्ट दिखाया नहीं गया, लेकिन ये यू शेप में था ना, यहां से ऐसे स्टमक था, यहां से ऐसे स्टमक था और यहां पर यू शेप में ऐसे डियोडिनम आया था। सो दिस इज डियोडिनम। मैंने जैसे आपको कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑफ द लेंथ ऑफ अराउंड 5 meters। उसके बाद ये डियोडिनम जब खत्म होता है तो यहां से डियोडिनम आने के बाद फिर ये पार्ट ऊपर वाला जेजुनम कहलाता है, विद परफॉर्म्स ऑफ मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, एंड फर्दर देर इज इलियम। सो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन जेजुनम। ये 2 meter का जो लेंथ वाला ये ट्यूब है, यहां पर डाइजेशन का मैक्सिमम प्रोसेस खत्म हो जाता है, एंड देन कम्स द इलियम वेयर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूज। यहां पर एब्जॉर्प्शन की क्रिया भी चलती रहती है। अब हम थोड़ा सा इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखें, तो जैसे मैंने कहा कि ये सारी की सारी क्या है, ये रक्त नलिकाएं हैं, नर्व्स हैं, और ये ऐसे नहीं आती। ये होता क्या है कि ये बड़े बड़े ऐसे मांसपेशियों या टेंडन के साथ ऐसे जुड़ करके आती हैं, और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ना, दीज आर मेजेंट्रीज, ये आंत्रयोजनियां। ये क्या करती हैं कि ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर को हमारे बॉडी वॉल के पिछले पीठ के हिस्से से बांध के रखती हैं। नाउ दिस सरफेस जो जहां पर आकर के कि मेजेंट्रीज या आंत्रयोजनियां जुड़ती हैं, दिस इज कॉल्ड पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के बाद जैसे मैंने बताया सिरोसा होगा, फिर ये दीज आर द मसल लेयर्स, है ना। मसल लेयर के बाद ये सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा के अंदर आप देखिए फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर सर्कुलर फोल्ड्स, और इसी सर्कुलर फोल्ड्स में से ये म्यूकोसा का लेयर है ना। और इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ी बात की ये विलाई नजर आ रहे हैं आपको, नहीं ये जो प्रवर्ध है इसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं ना, नया वर्ड नहीं है आपके लिए। और इस विलाई पे क्या है कि छोटे छोटे और इसमें से प्रवर्ध बने हुए जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं।
सो दिस इज द ग्रॉस स्ट्रक्चर. और ये विलाई या माइक्रोविलाई क्यों बनता है? मैंने आपको कहा कि द फंक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब, अवशोषित करना. जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करना. तो अवशोषित करने के लिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा अवशोषण की क्रिया उतनी ज्यादा होगी. और इसी प्रकार से विलाई तो आप पूरे स्ट्रक्चर में देख रहे हो. तो बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन द दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हेल्प्स अ लॉट. ये जो ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल हो जाता है ये इससे काफी मदद मिलती है. ठीक है, ये ल्यूमन है. ठीक है, मसल लेयर्स है, मैंने आपको पहले ही बता दिया. ये देखिए ये जिस फोल्ड्स हैं इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सर्कुलर फोल्ड कहेंगे. इसको आप नोट कर लेना. ठीक है, और इसके अंदर विलाई है. अब देखिए, नाउ दिस इज द पेरिटोनियम लेयर. इसके एडजॉइनिंग एक सिरोसा लेयर होता है. सिरोसा के अंदर ये आप देखिए मसल्स के लेयर हैं. मसल्स मैंने आपको बताया था, देयर आर थ्री काइंड ऑफ मसल्स लेयर. वन इज लॉन्गिट्यूडिनल, अनदर इज सर्कुलर, एंड द थर्ड इज ऑब्लिक. तो लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत पेशियां हैं, सर्कुलर चक्रीय पेशियां हैं जो इसके डायमीटर को कम ज्यादा करती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल इसके लेंथ को कम ज्यादा कर सकता है, एंड ऑब्लिक मसल्स वो बेसिकली इसके पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन में ये मदद करता है. इसके अंदर देखिए क्रिप्स है, और इसके अंदर आप देखिए, सो दिस इज द लेयर ऑफ सब म्यूकोसा. जो मैं कह रहा हूं देखिए, सब म्यूकोसा लेयर है और यहां से ये म्यूकोसा का लेयर प्रारंभ हुआ. ये क्या है, बहुत सारे विलाई आपको दिख रहे हैं. इसको फाइन स्ट्रक्चर, ये एक इंटेस्टाइन का सेक्शन लेके हिस्टोलॉजिकल स्लाइड बना करके ये बनाया गया है. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये. सो दिस इज द विलाई. ऑन द विलाई यू फाइन दीज सेल्स. नहीं, ये सेल्स कौन से हैं? अब सेल्स में आप देखिए कि बीच में ये जो गोल वाले सेल्स हैं, दीज आर गॉबलेट सेल्स. गॉबलेट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस. ये म्यूकस का स्राव सब जगह होता है. ये अभी मैं ड्यूओडेनम में मैंने आप बताना मैं भूल गया, वहां भी कुछ गॉबलेट सेल्स थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूकस. की आवश्यकता तो हर जगह पड़ती है. सो यू विल फाइंड द म्यूकस एवरीवेयर. दूसरा, इसमें बीच बीच में एंटेरोसाइट्स होते हैं, और एंटेरोसाइट्स के साथ साथ ये देखिए जो दो विलाई के बीच में ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, ये दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दीज आर द ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन. ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड या छोटी आंत की ग्रंथियां हैं. ठीक है, और इन ग्रंथियों ये जो इसको क्रिप्स भी कहते हैं, क्रिप्स कहते हैं मतलब दरार जैसी जगह. ये दीज आर, इससे म्यूकस के साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी स्रावित होते हैं. ठीक है, तो ये एंजाइम यहां से स्रावित होते हैं. सो दीज आर द इंटेस्टाइन. ये सारे देखिए ट्यूब के आकार की हैं. सो ट्यूबुलर, दीज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर ट्यूबुलर एंड दे प्रोड्यूस द इंटेस्टाइनल सिक्रीशन फ्रॉम देयर. यहां पर जो संरचना है इसको हम और आगे देखेंगे. अच्छा, वो दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि सारा का सारा ऊपर जो है ना, ये म्यूकोसा कोशिकाएं होती हैं. ये म्यूकस लेयर है, म्यूकोसा लेयर है, तो म्यूकोसा कोशिकाएं, और सारी की सारी दीज ऑल सेल्स आर कॉलमनर सेल्स. दिस इज द लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथीलियम. और कॉलमनर सेल्स के ऊपर आप देखिए यहां इसमें माइक्रोविलाई बने हुए हैं ना. यहां भी जो ऊपर इस कॉलमनर सेल्स का जो लेयर है, इसके ऊपर जो फजी सा ये प्रतीत हो रहा है, दिस फजी स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द माइक्रोविलाई. तो आमतौर पर जो विलाई होता है इसकी लंबाई अप्रोक्सीमेटली, इस विलाई की लंबाई जो होती है ये होती है अराउंड 1 मिलीमीटर के आसपास. कितनी होती है? 1 मिलीमीटर का. और इसकी जो हाइट होती है, जो ये जो आप माइक्रोविलाई, इसकी हाइट करीब करीब 1 माइक्रोमीटर होती है. मतलब इसकी तुलना में ये करीब करीब 10 लाख गुना छोटे होते हैं. ठीक है, उसके बाद हाँ एक चीज और, जैसे आपने देखा कि हमारे बॉडी में जो भोजन आ रहा है तो कुछ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम होते हैं. जैसे आपने देखा था कि हमारी बकल कैविटी में क्या होता था कि जो हमारी लार होती थी उसमें लाइसोजाइम होते थे, इम्यूनोग्लोबुलिंस होते थे, जो क्या करते थे किसी बैक्टीरिया को या किसी अनवांटेड इन एंटीजन से लड़ने की क्षमता रखते थे, उसको मारने की क्षमता, खत्म करने की क्षमता रखते थे. उसी प्रकार से आपने देखा कि इन द गैस्ट्रिक जूस देयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड.
that helps in killing the bacteria, some unwanted antigen that comes along with the food or water or something. ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि इंटेस्टाइन में भी एक स्ट्रक्चर है, ये लीवर में भी पाया जाता है, हम उसकी चर्चा करेंगे आपको बाद में। ये इंटेस्टाइन में क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं पेयर पैचेज। व्हाट आर दीज पेयर पैचेज? दीज आर बेसिकली द बंच ऑफ लिम्फैटिक ग्लैंड। लिम्फैटिक ग्लैंड मतलब लिम्फ लसिका ग्रंथियां। ये लसिका ग्रंथियां बॉडी में कई जगह हैं, जैसे आप यहां गले के नीचे करोगे तो यहां भी एक लिम्फैटिक स्ट्रक्चर है, अपने आर्म्स जो बाहें हैं उसके नीचे जो इस वहां पर भी होती है, कई जगह बॉडी में होती हैं। और इनका काम क्या है, ये जो सारे के सारे जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं, दे आर दे एक्चुअली फाइट्स इन विद द बैक्टीरिया और द इनकमिंग एंटीजन। वो क्या करते हैं, सारे बैक्टीरिया का ये कब्रिस्तान है, वहां लसिका ग्रंथियां, वहां पर बैक्टीरिया जाता है और वहां उसको मार करके दफना दिया जाता है, बेसिकली उसको खत्म कर दिया जाता है। और ये किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया पे काम करता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। तो इस प्रकार की जो ये आमतौर पर जब एड्स की बीमारी होती है तो क्या होता है, चूंकि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो इसलिए लसिका ग्रंथियों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और उसमें काफी इन्फ्लेमेशन होता है, लिम्फोएडिनोपैथी वगैरह होती है। तो खैर उसकी बात हम अभी नहीं करनी चाहिए उतनी, आप ये समझो कि ये लसिका ग्रंथियां हैं। तो ये लसिका ग्रंथियों का पूरा पैच है, पैच मतलब जैसे किसी समुद्र में कोई द्वीप होता है ना, उसे एक पैच होता है। अब ये यहां तो ये पूरे बंच में है, सो दिस इज द फॉलिकल ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड्स, और कहीं कहीं ये सॉलिटरी भी होते हैं। देखिए ये जो है ये अलग से, यहां पर पूरा बंच है। तो ये बेसिकली जो पेयर पैचेज है ये क्या करते हैं, दीज प्रोवाइड द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, जो एंटीजन, एंटीजन मतलब कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई फंजाई है, अनवांटेड प्रोटीन, इन सब से लड़ने के लिए कोई प्रोटोजो आ गया, ये सारे के सारे जो बाहर से जो अवांछित कोई माइक्रोब्स है या कोई दूसरे जीव हैं जो हमारे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनको हम एंटीजन बोलते हैं। तो ये एंटीजन हमारे शरीर में उतने एंटीजन को समाप्त करने का काम ये पेयर पैचेज कर। उसके बाद देखिए, अब ये स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन की जो मैं कह रहा था आपको, तो ये जो है ना, ये देखिए इसके अंदर जो सब म्यूकोसा लेयर है यहां से रक्त नलिकाएं आ रही है, और बीच में ये वाला जो देख रहे हो, ये जो थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीनिश है, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, लैक्टियल डक्ट। तो लैक्टियल डक्ट बेसिकली वसा के ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्प्शन के, वसा इसी से ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है उसका ट्रांसपोर्ट ब्लड से होता है। तो ये देखिए, ये इनकमिंग एफरेंट इंटेस्टाइनल आर्टरियोल्स है, जो क्या होगा, इस यहां आएगा और यहां से जब भोजन एब्जॉर्ब हो रहा है तो भोजन एब्जॉर्ब होने के बाद जो है ना, ये आइदर किसी तरफ से आप देख सकते हो, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा कि भोजन से जो लदा हुआ जो ब्लड है ये फिर इस डक्ट से बाहर निकल जाएगा। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड वाला जो सब अभी स्ट्रक्चर में दिखाया था, बीच बीच में ये गोल वाले क्या है, क्या लिखा हुआ, ये है गॉबलेट सेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस श्लेष्मा, एंटेरोसाइट जो इनका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहां पर, और यहां पर ये ग्रंथियां हैं जो क्या करेंगी, इंटेस्टाइनल जूसेस का स्राव बनाएंगी। सो ये स्ट्रक्चर है। तो ये अंदर का स्ट्रक्चर वो आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि बेसिकली दिस आर्किटेक्चर, दिस स्ट्रक्चरल ओरिएंटेड, दिस स्ट्रक्चरल फीचर एक्चुअली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर ये नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए ये स्ट्रक्चर जरूरी है। तो जितने भी विलाई आपको दिख रहे हैं, क्या कहते हैं इसमें, इंटेस्टाइन में, उस सारे विलाई के नीचे जो सब म्यूकोसल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वहां पर ये ब्लड कैपिलरीज होती है, एक इनकमिंग होती है, एक आउटगोइंग होती है, और बीच में लैक्टियल डक्ट भी है, लैक्टियल डक्ट जो वसा का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन एंजाइम्स, इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स जो पाए जाते हैं, जो कुछ तो वहां से आया था, कुछ एंजाइम जो इसमें काम कर रहे थे इंटेस्टाइन में,
पर्टिकुलरली जियोजिनम में वो कौन से थे? दोज एंजाइम्स वेयर प्रोवाइडेड बाय द पेनक्रियास, ट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, सम एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज एक्सेट्रा. सो दोज एंजाइम्स वेयर प्रोवाइडेड बाय द पेनक्रियाटिक पेनक्रियास, राइट, जो पेनक्रियाटिक न्यूज के साथ रहे. इसके अलावा देर आर सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर सिक्रीटेड इन द इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर ऑल्सो. जैसे मैं आपको बताया था कुछ ट्यूबुलर इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर वाले ग्रैंड थे, वो क्या सिक्राई वो सिक्रीट करते हैं, वो करते हैं डाइसेक्राइड. अभी मैंने बताया ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला दो तो सुक्रोज बनता है, सुक्रोज बनता है. उसी तरह से ग्लूकोज और ग्लूकोज को आप मिलाएंगे तो माल्टोज बनेगा. ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला देंगे तो लैक्टेज, ये मिल्क शुगर होता है, तो लैक्टेज जो होता है वो लैक्टोज पे काम करेगा, माल्टेज माल्टोज पे काम करेगा, और सुक्रेज सुक्रेज पे काम करेगा, है ना. एज लगाया तो उसी सबस्ट्रेट का एंजाइम बन गया ये, ठीक है. तो पहले तो कुछ डाइ, अब ये सुक्रेज जो है वो क्या करेगा, दिस विल कन्वर्ट द सुक्रोज इंटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. माल्टेज विल कन्वर्ट द माल्टोज इंटू ग्लूकोज एंड वन ग्लूकोज, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. द लैक्टोज विल कन्वर्ट, लैक्टेज विल कन्वर्ट लैक्टोज इंटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है. उसी तरह से एमिनो पेप्टिडेज है, जैसे कार्बोक्सी पेप्टिडेज और एमिनो पेप्टिडेज हमने आपको बताया था. डाई पेप्टिडेज कुछ है जो डाई पेप्टाइड्स होते हैं, जैसे दो मोनोसेक्राइड शुगर से डाइसेक्राइड बनाता, उसी प्रकार से दो अमीनो एसिड से डाइपेप्टाइड बनेगा, ट्राइपेप्टाइड बनेगा. तो उसको तोड़ने का काम ये, मतलब ये अंतिम चरण में है डाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसका पर्पस ये था कि पॉलीसेक्राइड को आप मोनोसेक्राइड में बदलो, बड़े प्रोटीन को आप एमिनो एसिड में बदलो, और वसा को आप फैटी एसिड. तो ये कम एक प्रोसेस इज गेटिंग एकम्प्लिश्ड है, ये काम खत्म हो रहा है यहां पर, कि अब अंतिम प्रक्रिया है कि अंतिम जो एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोसेक्राइड शुगर, ये सारे अब यहां बनेंगे. ये अंतिम प्रक्रिया चल रही है. उसके बाद लाइपेज क्या करेगा कि जो भी ट्राइग्लिसराइड है या लंबे फैटी एसिड के चेन है उसको इंडिविजुअल फैटी एसिड में बदल देगा, ठीक है. फिर न्यूक्लियोटाइडेज है, न्यूक्लियोसाइडेज है, वगैरह वगैरह. तो दीज आर द इंटेस्टाइनल एक्चुअली दैट वर्क्स. तो देखिए अब ये स्ट्रक्चर जो है ये मेरे ख्याल से मैं कल ही डिस्कस करूँ तो बेटर है, क्योंकि अब यहाँ की चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है. तो अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, लीवर ने बाइल सिक्रेट किया, बाइल जो गॉल ब्लैडर में आया और खाने के बीच बीच में जो गॉल ब्लैडर है उसको स्टोर करता रहता है, जिसे बता चुके हैं आपको. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में द एंजाइमेटिक डाइजेशन कंप्लीटेड एट पेरिस्टेल्सिस मूव्स द मिक्सचर ऑफ काइम एंड डाइजेस्टिव जूसेस अलोंग विद द स्मॉल. तो मैंने कहा था पहले जब भोजन मूल में होता है और जब लार से सन जाता है उसको हम बोलस बोलते हैं. बोलस के बाद जो वो जाता है तो और तरल पदार्थ में बन जाता है, तो पतला हो जाता है, उसको हम काइम कहते हैं. और काइम के बाद जब और पचने के साथ साथ उसमें वाटर मिक्स होता रहता है, उसके बाद वो आखिर में कहलाता है काइल. जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन का जो स्वरूप होता है उसको हम काइल बोलते हैं, ठीक है. अब ये सारा का सारा समरी है कि वहां पे ओरल कैविटी में या मुख गुहा में क्या हुआ था. यहाँ स्टार्च को सलाइवरी एमाइलेज ने माल्टोज में बदल दिया था. फिर स्टमक में प्रोटीन, ये जो चार्ट है दिस एक्चुअली चूंकि प्रेजेंटेशन में आपसे शेयर कर लूंगा अभी के अभी, ये वाला शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आगे के स्लाइड्स काट दिए हैं इसमें. तो ये आपको इससे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब जो मैं आपको समझाया उस पूरी समरी है इसमें, ये भी पूरी समरी है कि स्लाइवरी एमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया. स्टमक में क्या हुआ, पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल दिया. पेनक्रियाटिक एमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोज में बदला. लाइपेज जो पेनक्रियाटिक जूसेस से जो निकले थे वो सारे कन्वर्ट हो गए काइमोट्रिप्सिन. ये सब का दिया हुआ है, जितनी बातें मैंने समझाई उसका समरी है. अब ये स्लाइड अपने को क्या कहता है कि जो सर्वाहारी प्राणी है, जो मांसाहारी प्राणी है, उसके लिए भोजन पचाना ज्यादा आसान, क्योंकि जो 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 हर्बीवोर्स हैं,
जो पेड़ पौधों पर खाने के लिए जीव निर्भर होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, जो भी हरी पत्तियां खाने वाली बकरियां हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं कि जो घास होते हैं, घास घास में होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को पचाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो आमतौर पर जो मांसाहारी प्राणी है उनके आप जो इंटेस्टाइनल कैनाल है वो आप छोटे देखोगे, अपने तो 5 मीटर के ही है, जो जानवर होते हैं गाय भैंस होती है उसकी 20-25 मीटर की होती है। तो ये देखिए यही अंतर है कि कार्निवोर का जो इंटेस्टाइन होगा तो अपेक्षाकृत छोटा होगा, यहाँ पर सीकम है, ये कोलन है, ये रेक्टम है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है। तो अब